खरगोन जिले में पुलिस प्रशासन लॉकडाउन उल्लंघन करने के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रहा है, बावजूद इसके आमजन अनावश्यक घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने रविवार को नियम उल्लंघन करने वालों को पकड़ा और डीआरपी लाइन की कार्यालय में जाकर पौधारोपण करवाया। इस दौरान थाना प्रभारी प्रकाश वास्केल ने बताया कि लॉकडाउन नियम उल्लंघन करने वालों से पौधारोपण करा रहे हैं, जिसमें निश्चित तौर पर प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने का संदेश आमजन को मिलेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ पर पकड़ के लाए डीआरपी लाइन, पौधे भी लगवाए, किस प्रकार का उल्लंघन कर रहे थे? हम घर से बाहर निकले थे, कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करा, इसलिए हमको बाहर पुलिस वाले लेके आए, डीआरपी में पौधारोपण करवाया, ये हमको नसीहत मिली। तो हम भी घर पे जाके ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे पौधे वगैरह लगा रहे हैं घर में बैठे। क्या नाम आपका? अनवर शेख। आज इनको अनोखी सजा दी है, यहाँ पर पेड़ भी लगाए डीआरपी लाइन में, किस प्रकार की सर इसमें सजा दी जा रही है? देखो, यहाँ हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम पूरे खरगोन की पुलिस जो है लगातार लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, साथ ही ऐसे कार्य भी कर रहे हैं जिससे जनता में कोई अच्छा मैसेज जाए। हमने पिछले संडे को भी जितने लोग लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए पाए गए थे, जो अनावश्यक घूम रहे थे, उनसे योगा कराया गया। योगा कराने से वो खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार वालों को भी ये बताएंगे कि वो अपने शारीरिक व्यायाम करें। आज भी हम लोग जितने भी अनावश्यक घूम रहे थे उन सबको डीआरपी लाइन और डीआईजी कार्यालय में सभी से प्लांटेशन करवा रहे हैं। प्लांटेशन करवा के सभी को ये समझा भी रहे हैं कि यहाँ से एक सीख लेके जाएं और अपने घर, अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, जिससे कि भविष्य में जो ऑक्सीजन की कमी की समस्या थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन होगा तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।